Redmi Note 12 Pro Plus फाइनली आ चुका है, आज ही डिलीवर हुआ और हम आउटडोर लोकेशन पे आ चुके हैं इसका कैमरा टेस्ट करने के लिए। 200 मेगापिक्सल हैं, OIS है, काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो मुझे भी पर्सनली टेस्ट करने हैं बिकॉज काफ़ी बस था भाई 2023 का पहला ऐसा फ़ोन जिसमें इतने नंबर्स, इतने स्पेसिफिकेशन आ रहे हैं। तो एज अ फोटोग्राफर, एज अ क्रिएटर मैंने सोचा बाहर चलते हैं, कुछ शूट करते हैं और मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूं और साथ में जज करेंगे कि इसका जो रिजल्ट है वो कितना इंटरेस्टिंग है, कितना एवरेज है। तो इस तरीके से इसका कुछ फ्रंट कैमरा का UI है। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा स्टैंडर्ड अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं मिलता। और एक और चीज़ पहले क्लियर कर दूँ, जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन है वो 1080p 60fps है फ्रंट कैमरा में। तो फ्रंट कैमरा में कोई ऐसा 4K का ऑप्शन नहीं है। तो मैंने अभी रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, जो अभी आपको आउटपुट दिख रहा है वो इसी का आउटपुट है, रेडमी 12 प्रो प्लस। तो यार दिस इज़ द सेल्फी कैमरा, 1080p 60fps पे रिकॉर्ड हो रहा है, सन अभी मेरे एकदम सामने है, तो इस तरीके से इसका एक्सपोजर हो रहा है। और अगर मैं एक बार 360 डिग्री राउंड ले रहा हूँ एंड अभी सन मेरे एकदम पीछे है, देखने में डायनामिक रेंज काफ़ी सही लग रहा है फ्रंट कैमरा के हिसाब से। तो बाकी ऑडियो जो आ रहा है वो इसी फ़ोन से डायरेक्टली है। काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि भाई जो ऑडियो है क्या वो एक्सटर्नल माइक से होता है, तो जो भी कैमरा टेस्टिंग होती है फ़ोन की, ऑडियो डायरेक्ट फ़ोन से आता है, कोई गिम्बल नहीं है, हैंड हेल्ड यूज़ कर रहा हूँ और ये इसका फ्रंट कैमरा का आउटपुट है। अब एक चीज़ जो मुझे फ्रंट कैमरा वीडियो में मिसिंग लग रहा है वो है कि पोर्ट्रेट मोड तो है, मुझे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिखा कि मैं वीडियो में इसको यूज़ करके कुछ पोर्ट्रेट इफेक्ट कर सकूँ, रियर कैमरा में भी नहीं है। तो आई एम नॉट श्योर काफ़ी फ़ोन इस रेंज में ऑफर कर रहे हैं, इसमें वो चीज़ मिसिंग है। अब चलते हैं इसके रेयर कैमरा पे, वीडियो मोड पे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस है जो आप देख रहे हो, स्टैंडर्ड 1x पे है, अल्ट्रा वाइड पे मैं जा सकता हूँ एंड 2x का ऑप्शन है। यहाँ पे अगर रेजोल्यूशन की मैं बात करूँ तो 4K 30fps मैक्सिमम रेजोल्यूशन है, बट जैसे ही मैं अल्ट्रा वाइड पे स्विच करता हूँ वो 1080p पे चले जाता है 30fps पे। तो अगर आप अल्ट्रा वाइड पे शूट कर रहे हो, 4K का ऑप्शन नहीं है, 1080p 30fps मैक्सिमम रेजोल्यूशन है अल्ट्रा वाइड एंगल पे। स्टैंडर्ड पे हाउएवर मुझे 4K 30fps मिलता है। तो अब मैं कुछ सैंपल रिकॉर्ड करता हूँ और कुछ स्टेबिलाइजेशन टेस्ट करते हैं और आपको दिखाता हूँ, लेट्स चेक कि कैसा वीडियो क्वालिटी है। तो अभी हम इसका स्टेबलाइजेशन टेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं हूँ 4K 30fps पे वॉक कर रहे हैं, देखते हैं कि इसके अंदर जो OIS है जो क्लेम किया जा रहा है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो जब अभी हमने स्टेबलाइजेशन का टेस्ट किया उसमें कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की। सबसे पहली चीज़ जो इसका स्टेबलाइजेशन है वो 1080p में इट्स डूइंग गुड जॉब, डिसेंट जॉब। 4K में वो स्टेबलाइजेशन जो OIS वाला है वो अप्लाई नहीं हो रहा। तो अगर आप ये सोच के ये फ़ोन लेने का प्लान कर रहे हो कि भाई 4K हाईएस्ट क्वालिटी में आप बहुत बढ़िया स्टेबलाइजेशन ले पाओगे, वो चीज़ नहीं है। स्टेबलाइजेशन जो 4K में है दैट्स एक्चुअली मतलब अच्छा है। बाकी फ़ोन जो इस बजट में मैंने विदाउट स्टेबलाइजेशन जो फुटेज देखा उस हिसाब से इट्स गुड, बट लाइक ठीक है 1080p में अगर आप शूट करते हो अल्ट्रा वाइड में भी वॉक करते हुए हल्का सा वो इफेक्ट दिखेगा कि मूव हो रहा है, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है OIS थोड़ा बहुत है बट मेजरली EIS अप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, जिसमें फुटेज थोड़ा क्रॉप होता है। तो अगर मैं एक आपको साइड बाई साइड फुटेज दिखाऊंगा 4K और 1080p में, आप देखना 4K हल्का सा वाइड है और 1080p 30fps थोड़ा सा एंगल ऑफ व्यू नैरो है। क्यों? बिकॉज वहाँ पे डिजिटल क्रॉप हो रहा है क्योंकि EIS अप्लाई हो रहा है। तो इट्स नॉट कि OIS आते ही बहुत मैजिकल चीज़ें हो रही हैं। हाँ, इस प्राइस में ये लोग स्टेबलाइजेशन अच्छा दे रहे हैं 1080p में, खासकर अगर आप 4K में सोच रहे हो कि आपको स्टेबलाइजेशन बहुत बढ़िया मिलने वाला है, वो चीज़ नहीं है। तो अभी हम 4K का एक और सैंपल ले रहे हैं वॉक करते हुए, अभी लाइट है, अब हम अंदर जाएंगे जहाँ पे थोड़ा सा डार्क है डोम के अंदर, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा इको भी रहेगा ऑडियो का। मैं बेसिकली ये देखना था कि भाई जब लाइट चेंज हो रहा है और थोड़ा सा लो लाइट में आते हैं तो कैसा काम करता है। तो अभी पीछे मेरे एकदम लाइट है, थोड़ा सा आगे वॉक करते हैं।
इससे एक आइडिया लग जाएगा भाई लो लाइट में कैसा काम कर रहा है, स्टेबलाइजेशन कैसा है, थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ ये एक इसका टेस्ट है कि लो लाइट में ये कैसा काम करता है। यहाँ पे बहुत कम लाइट है अंदर, जितना आ रहा है विंडो से ही आ रहा है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो है 200 मेगापिक्सल के सैंपल्स। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं कुछ फोटोज लूंगा नॉर्मल मोड पे, और उसके बाद 50 मेगापिक्सल पे और 200 मेगापिक्सल पे, और तीनों को कंपेयर करके देखते हैं कि जूम इन करने में फर्क आता है या जस्ट ये एक मार्केटिंग गिमिक है। तो कुछ फोटोज लेता हूँ मैं यहाँ पे, लेट्स चेक इट आउट। अब हम इसका फोटो मोड का HDR मोड टेस्ट कर रहे हैं। उसके लिए बैकलाइट सिचुएशन लिया, सन एकदम पीछे है सब्जेक्ट के, तो मैं पोर्ट्रेट शूट कर रहा हूँ नॉर्मल मोड में, देखते हैं HDR ऑन एंड ऑफ में क्या फ़र्क आता है। तो अभी मैं एक एकदम बैकलिट सिचुएशन में फेस पे टैप करके HDR ऑन के साथ एक फ़ोटो ले रहा हूँ। अब HDR ऑफ करके एक बार सेम टैप करके ये फ़ोटो ले रहा हूँ। तो अब अगर मैं साइड बाय साइड दोनों फोटोज़ देखता हूँ, तो HDR ऑन एंड ऑफ में एक्चुअली स्काई में कलर में आपको थोड़ा फ़र्क दिखेगा, और जो शेडोज़ हैं वो HDR मोड जब ऑन है उससे थोड़ा फिल हो रहा है। तो HDR मोड एक्चुअली कई फ़ोन्स में मैंने देखा इतना अच्छा काम नहीं करता, बट यहाँ पे इवन मैं घर में भी टेस्ट कर रहा था विंडो के अगेंस्ट, तो वहाँ पे भी एक्सपोजर काफ़ी अच्छा बैलेंस कर रहा था। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ बैकलाइट बहुत है, तो HDR मोड इसका एक्चुअली काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो अभी मैं एक इंटरेस्टिंग टेस्ट कर रहा था, वो है स्टैंडर्ड और अल्ट्रा वाइड के बीच में कलर का डिफरेंस। कलर शिफ्ट बहुत ईजिली फ़ोन्स में हो जाता है, बट एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि 12 प्रो प्लस फ़ोन में वो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इट्स एक्चुअली डूइंग गुड जॉब कीपिंग दोनों का टेम्परेचर काफ़ी सिमिलर है, स्टैंडर्ड और अल्ट्रा वाइड में जब मैं स्विच कर रहा हूँ। आप यहाँ साइड बाई साइड सैम्पल्स भी देख सकते हो, तो एक्चुअली काफ़ी सही काम कर रहा है दोनों का कलर मैच करने में। अच्छा कुणाल भाई, जैसे इस फ़ोन का मेगापिक्सल 200 मेगापिक्सल है, तो वीडियो में 200 मेगापिक्सल का क्या यूज़ हो सकता है? अब इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज एक नॉर्मल पर्सन जिसको इतना आइडिया नहीं है कैमराज या टेक्नोलॉजी के बारे में, सुनने में ये लगेगा कि यार 200 मेगापिक्सल है, OIS है, तो वीडियो बहुत ही बेटर आने वाला है। 200 मेगापिक्सल के पॉइंट पे आते हैं, देखो मेनली जो रेजोल्यूशन है वो फोटोज़ के लिए काम आएगा, वीडियोज़ के लिए क्या काम आएगा, इसका सेंसर साइज़ जो एक्चुअली काफ़ी अच्छा है 1x1.4 इंच, विच मुझे लगता है जो महंगे से महंगे फ़ोन आते हैं ना 1-1.5 लाख की रेंज में सैमसंग के फ़ोन, वहाँ पर इतना बड़ा सेंसर देखने को मिलता है। तो मैं बोलना चाहूँगा रेडमी ने बहुत अच्छा काम किया है कि अंडर 30,000 इतना बड़ा सेंसर दिया गया है, जो अल्टीमेटली आपको वीडियोस में हेल्प करेगा। अगर आप 4K वीडियो शूट कर रहे हो, सेंसर बड़ा है तो वो लाइट अंदर ज़्यादा लेके आएगा, जिसकी वजह से फाइनल आउटपुट में आपको बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस मिलेगा। अब 200 मेगापिक्सल में या इवन 50 मेगापिक्सल में एक चीज़ जो अच्छा है कि जब हम जितना हाई रेजोल्यूशन पर जाते हैं ना, नॉर्मली मैंने देखा है जो 100 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल के फ़ोन्स में जब मैं फोटोज़ ले रहा हूँ, तो शटर लैग रहता है कि जब मैं फोटो क्लिक कर रहा हूँ अगली फोटो लेने के लिए मुझे 1.5 से 2 सेकेंड वेट करना पड़ता है। विद इस फ़ोन में मुझे यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं जैसी फोटो क्लिक कर रहा हूँ हाफ सेकेंड से भी कम में वो रेडी है नेक्स्ट फोटो लेने के लिए। तो ये आपको हेल्प करता है हाई रेजोल्यूशन में, आप बहुत जल्दी फोटोज ले सकते हो। तो अब इसका प्रोमोड देख लेते हैं एक बार। एक चीज़ अच्छा है, वीडियो में भी प्रोमोड अलाउड है, तो आप अगर वीडियो शूट कर रहे हो प्रोमोड में जाके आप एक सेट एक्सपोजर दे सकते हो, और वीडियो में एक्सपोजर फ्लक्चुएट नहीं होगा। जस्ट टू शो, यहाँ पे मैं वाइट बैलेंस एडजस्ट कर सकता हूँ, कुछ प्रीसेट्स हैं वीडियो में इस तरीके से, यहाँ पे मैं जाके कस्टम भी कर सकता हूँ वाइट बैलेंस को। तो यहाँ पे मुझे पूरा स्केल दिया गया है टेम्परेचर का, स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 केल्विन से जाता है पूरा 7500 8000 केल्विन तक, जहाँ पे मैं उसको थोड़ा वार्म बना सकता हूँ। तो यहाँ पे एक बार मैं इसको ऑटोमेटिक पे ले जाऊँगा। देन शटर स्पीड आप चेंज कर सकते हो, ISO एडजस्ट कर सकते हो, EV एडजस्ट हो सकता है, इवन लेंस जो है वो अल्ट्रा वाइड और वाइड दोनों ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ प्रो मोड में, मैं नॉर्मल वाइड एंगल पे भी जा सकता हूँ, और अल्ट्रा वाइड एंगल पे जाके भी मैं मैनुअल मोड में शूट कर सकता हूँ। अब चलते हैं फोटो मोड पे, और यहाँ पे भी मुझे स्टैंडर्ड एंड अल्ट्रा वाइड दोनों का ऑप्शन मिलता है। एक और चीज़, जब मैं स्टैंडर्ड मोड पे जाता हूँ, मैं 50 मेगापिक्सल पे प्रो मोड में शूट कर सकता हूँ, 200 मेगापिक्सल आप प्रो मोड में शूट नहीं कर सकते, ये चीज़ मैं बता दूँ। मैक्सिमम 50 मेगापिक्सल ही अलाउड है अगर आप प्रो मोड में हो, एंड वहाँ से, और वो भी अगर आप वाइड पे हो, अल्ट्रा वाइड पे भी वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। देन फोकस आप एडजस्ट कर सकते हो, वाइड बैलेंस, शटर स्पीड एक बार देख लेते हैं। जो फास्टेस्ट है वो 1x4000 है, और स्लोएस्ट 30 सेकेंड्स मिलता है। तो अगर आप कुछ लाइट पेंटिंग लॉन्ग एक्सपोजर लेना चाहते हो वो आप इजीली कर सकते हो। ISO जो मिनिमम है वो जाता है ऑल द वे 50, विच इज़ अ गुड थिंग, कई फोन्स में 100 ISO होता है, और मैक्सिमम जो ISO है वो 6400 है। एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड से मैं मीटरिंग एडजस्ट कर सकता हूँ, मुझे सेंटर वेटेड चाहिए, इवेल्यूएटिव चाहिए, एवरेज चाहिए, स्पॉट मीटरिंग, ये चीज़ यहाँ से एडजस्ट हो सकती है। एंड इवन मेरे जो फिल्टर्स हैं यहाँ
पे कुछ फिल्टर्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये फिल्टर्स अप्लाई करके भी आप प्रो मोड में शूट कर सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं 3 लाइंस पे जाता हूँ टॉप पे, तो एस्पेक्ट रेशियोज हैं 3:4 पे रखना हमेशा अगर आपको हाईएस्ट रेजोल्यूशन चाहिए। टाइमर्स हैं, देन 2-3 चीज़ें मुझे अच्छी लगी। एक वॉइस शटर अगर मैं इनेबल कर लेता हूँ ना, तो मैं जैसे ही बोलूँगा चीज़ ये फोटो क्लिक कर लेगा। तो अगर आप कहीं ट्राईपॉड पे रख रहे हो या बटन नहीं दबाना शटर का, तो आप चीज़ बोल के भी फोटो कैप्चर कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे एक दो और ऑप्शन है फोकस पीकिंग के। फोकस पीकिंग में क्या है, जहाँ भी मेरा फोकस होगा ना, मुझे रेड कलर में दिख जाएगा। तो अगर मैं मैनुअली फोकस कर रहा हूँ, ये एक बहुत सही चीज़ है जिसको यूज़ करके आप सही फोकस कर सकते हो। एक्सपोजर वेरिफिकेशन है, आप देखो इस तरीके से अगर मैं कहीं ब्राइट पार्ट पे लेके जाऊँगा ना, तो मुझे यहाँ पे मान लेते हैं अगर मैं अपना एक्सपोजर थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, तो इस तरीके से ज़ीब्रा फॉर्मेट में मुझे ये दिखा देगा कि यहाँ पे जो मेरा सीन है वो ओवर एक्सपोज हो रहा है, तो मैं अपने एक्सपोजर को नीचे ला के सही कर सकता हूँ। अब मोर में जाके यहाँ पे ना एक व्लॉग मोड है, ये कुछ नया नहीं है, बहुत पहले फ़ोन्स में आ चुके हैं, शाओमी के भी, एमआई के भी। तो यहाँ पे कुछ कुछ प्रीसेट्स हैं, जैसे नोस्टैल्जिया, पार्टी, बहुत सारे हैं, आई थिंक 6-7 प्रीसेट्स हैं। लेट्स सपोज मैं पार्टी वाला ले लेता हूँ। और यहाँ पे अब अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जाता हूँ, तो मुझे ना ये अलग अलग सेगमेंट्स दे रहा है, 2 सेकंड, 2.5 सेकंड, 3 सेकंड का। और मुझे क्या करना है, ऊपर टॉप विंडो में रेफरेंस देख के कि भाई कैसा मूवमेंट ये करेगा, उस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करना है। तो कुछ शूट करते हैं एंड मैं फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ कि ये कैसे रिकॉर्ड करता है। तो अब फन के लिए हम एक चीज़ कर रहे हैं, मैं साइड बाय साइड यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ जस्ट फॉर फन आईफोन 14 प्रो मैक्स को रेडमी 12 प्रो प्लस से, और देखते हैं कि भाई OIS है तो स्टेबलाइजेशन में कितना फ़र्क है। आप लोग भी कमेंट करके बताना आपको किसका ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो अभी मैं हुमायूं टॉम्ब से थोड़ा आगे को जा रहा हूँ एंड ये बीच में रास्ते में एक आ रहा है गेट। तो इस तरीके से लाइक ये पूरा आप देखोगे ऊपर ओपन है एंड यहाँ पे गेट है, काफ़ी बड़ा गेट है। एंड ये मैं अल्ट्रा वाइड से शूट कर रहा हूँ रियर से, ताकि कुछ और सैंपल्स मिल सकें जस्ट टू टेस्ट कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अभी यहाँ कुछ और मैनुअल मोड और पोर्ट्रेट ट्राई करते हैं और उसका भी आउटपुट देखते हैं। तो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है इसके अंदर, जो थर्ड कैमरा है छोटा सा। अब 1x में वीडियो में जो क्लोजेस्ट फोकस डिस्टेंस है ना, वो इतना आ रहा है मुझे, विच इज़ गुड इनफ। बट यहाँ पे एक एडिशनल मोड है जो है मैक्रो वीडियो मोड। अब मैक्रो वीडियो मोड में है कि मैं इतना क्लोज जा तो पा रहा हूँ, बट एक दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले 720p 30fps इसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन है, तो मैक्रो वीडियो तो है बट रेजोल्यूशन बहुत कम है। तो जो इसका मैक्रो कैमरा है, बेसिकली जो थर्ड कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, वो मेरे हिसाब से यूज़ हो रहा है वीडियो के लिए। तो जो आउटपुट है वो काफ़ी एवरेज है एंड मैं इसको एक्चुअली यूज़ नहीं करूँगा अगर मुझे कोई मैक्रो वीडियो फ़ोन से शूट करना है। बट फोटोज़ में अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, बस एक चीज़ है कि कहीं जगह थोड़ी ओवर शार्पनिंग कर रहा है। तो अगर कुछ ऐसा टेक्सचर वाला एरिया है, वहाँ पे बहुत ओवर शार्पनिंग करेगा, जो देखने में आपको शार्प वाला इफेक्ट देगा, बट कहीं ना कहीं थोड़ा ओवर हो जाता है। बट हाँ, अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो मैक्रो के लिए, इट्स अ डिसेंट कैमरा। तो अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं, सनसेट स्टार्ट हो गया है, तो हमने सोचा पोर्ट्रेट जल्दी से ले लेते हैं इससे पहले लो लाइट हो जाए। तो हम 3 लोग यहाँ पे आपस में थोड़े पोर्ट्रेट्स कैप्चर करेंगे। पोर्ट्रेट मोड डेडिकेटेड है इसमें, जैसे मैंने बताया वीडियो के लिए कोई मोड नहीं था, बट फोटो के लिए है। मैं जो एपर्चर है ब्लर इफेक्ट बाय डिफॉल्ट वो दिया हुआ है f/1.8 पे, तो मैं उसी पे रख के कुछ पोर्ट्रेट्स लेता हूँ। तो पोर्ट्रेट मोड का एक ही टेस्ट रहता है कि भाई फुल बॉडी में शॉट्स ले पाता है नहीं ले पाता, तो वो भी ट्राई कर रहे हैं। तो मैं ट्राई करूँगा, यहाँ तक मैक्सिमम मुझे मिल रहा है फुल बॉडी, तो एक शॉट लेते हैं एंड मैं थोड़ा पास जाते जाऊँगा शॉट्स लेते हुए एंड इस तरीके से दिस इज लास्ट वन। तो अभी सनसेट हो चुका है, पूरा लो लाइट सिचुएशन है, हम थोड़े लो लाइट सैंपल्स लेने के लिए आए थे। तो ये अभी 4K में वीडियो शूट हो रहा है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। थोड़ा सा वॉक करते हैं ताकि आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगी वीडियो कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा आउटपुट है। एंड ये एकदम लो लाइट सिचुएशन है, सिर्फ एक बल्ब है। तो हम इस आउटडोर जगह पे आए हैं जहाँ पे थोड़े फोटो सैंपल्स भी लेने हैं, नाइट मोड वर्सेस स्टैंडर्ड अल्ट्रा वाइड भी। तो देखते हैं कुछ फोटोज लेते हैं, लेट्स चेक आउट आउटपुट कैसा आता है। और
और ये इसके फ्रंट कैमरा का सैंपल है जो ऑब्वियसली 1080p भी है, फ्रंट में 4K नहीं है। अगेन यहाँ पे एक बल्ब है डायरेक्टली जो फेस पे आ रहा है। तो अभी मैंने रेयर का फुटेज देखा है, वो एक्चुअली काफ़ी सही लग रहा है लो लाइट के हिसाब से, इट्स डूइंग अ गुड जॉब फ्रंट कैमरा। बाकी आप लोग कमेंट करके बता देना आपको लो लाइट में इसका परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है। तो अभी हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ एकदम पिच डार्क है, बहुत कम लाइट जल रही है, तो यहाँ एकदम नाइट मोड टेस्ट करने का सही जगह बनता है। तो इसी जगह आसपास हम कुछ फोटोज़ लेते हैं एंड देखते हैं कि पिच डार्क सिचुएशन में ये नाइट मोड में फ़ोटोज़ कैसी लेते हैं। अब अगर मैं कंक्लूड करूं अपना कैमरा टेस्टिंग जितने मेरे सैंपल्स देखे, सबसे पहले प्राइमरी और अल्ट्रा वाइड एंगल दोनों का आउटपुट काफ़ी अच्छा है, कलर शिफ्ट नहीं है, शार्पनेस बहुत अच्छा है, डिटेलिंग इज़ गुड, इवन डायनामिक रेंज की मैं अगर बात करूं और HDR जो ये पंच इन करता है वो काफ़ी अच्छा है। मैं भी अगर एक एज अ फोटोग्राफर एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर देखूँ तो फोटोज़ आर रियली गुड, कैमरा बहुत अच्छा काम कर रहा है। लो लाइट में स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगा इस बजट में जो 12 प्रो प्लस दे रहा है वो आउटस्टैंडिंग है। द आउटपुट इन लो लाइट में यहाँ पे कुछ सैम्पल्स भी आपको दिखाऊंगा बहुत बढ़िया है। नॉर्मली एक टाइम के बाद जब लाइट कम होती है फ़ोन ऑटोमेटिकली जब आप स्टैंडर्ड में फोटो ले रहे हो नाइट मोड में शिफ्ट हो जाता है और फोटोज़ देखने में बहुत बढ़िया लगती हैं। पोर्ट्रेट मोड की भी अगर मैं बात करूँ तो मेरा टेक ये है कि एज डिटेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से सेपरेशन दे रहा है, बैकग्राउंड में जो ब्लर देखने को मिलता है वो काफ़ी नेचुरल है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं लगता है, यहाँ बहुत अजीब सा नहीं लग रहा, तो पोर्ट्रेट मोड इज ऑल्सो डूइंग अ गुड जॉब। बट यहाँ पे अब मैं बात करना चाहूँगा वीडियोज़ की, और वीडियोज़ में मेरा मानना ये है कि अगर आप 1080p में शूट कर रहे हो तो अच्छा स्टेबलाइजेशन है, क्वालिटी इज नॉट दैट ग्रेट। मैं अगर प्राइमरी कैमरा की बात करूं रियर कैमरा की क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, मुझे उतना पर्सनली इस बजट में मज़ा नहीं आया, बट स्टेबलाइजेशन इज़ गुड। ओवरऑल फोटोज़ के लिए ये फ़ोन बहुत ही बढ़िया है इस बजट में, वीडियोज़ के लिए आई विल से इट इज़ डिसेंट एवरेज, बट काम चल जाएगा। और आप ये भी कमेंट करके बता सकते हो कि इसका कंपैरिजन कैमरा कंपैरिजन किस फोन के साथ किया जाए। आई ट्राई माय बेस्ट टू डू दैट। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।